हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली दो वीडियोस डालती हूँ, एक सुबह एक शाम को। तो आज की जो ये वीडियो है, ये मतलब फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन है और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और पूरे डिज़ाइन को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर है, तो कोई भी चीज़ अगर अच्छी होती है तो उसको बनाने में ये थोड़ा सा पेशेंस लगता ही है। तो जैसे कि मैंने बनाने में पेशेंस रखा, आप लोग प्लीज़ देखने में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो एंड गाइस, सीरियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से मेल्स में। बस आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूल जाते हैं, तो वहाँ भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के इस डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, हमने बिल्कुल यही टीयर ड्रॉप से स्टार्ट किया है। मैं ये वाला टीयर ड्रॉप डाल रही हूँ कि हम लोग क्या किए हैं, दो लाइन्स के बीच में एक और शेडेड लाइन डाल दी है और साइड से हम टीयर ड्रॉप ड्रॉ कर रहे हैं। अब जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो हम इसके जितना भी एरिया मतलब बाहर बचा हुआ है उसको सारा मेहंदी से फिल कर देंगे। इसके अलावा आप और कौन सी वेरिएशंस कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बीच में जो बीच में हमने फेडेड लाइन डाली है उसके दोनों साइड्स पे डॉट 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 डालिए और उसे मैच स्टिक की हेल्प से ड्रैग करके नीचे ले आइए, क्योंकि बिगिनर के लिए तो मैंने ट्रिक वही सिखाई थी। अगर आपका थोड़ा सा अच्छा हो गया तो आप ऐसे भी बिल्कुल कोन की हेल्प से भी टीयर ड्रॉप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसकी दूसरी वाली वेरिएशन ली है, आप कोई वाली भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे साइड पे हमने यहाँ पे एक और नया चीज़ आज इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैंने ऐसे ये वाला पैटर्न अभी तक आप लोगों को नहीं कराया है। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने जब आपको कैरी की शेप्स की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप मैंने अपनी ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 19 में करवाई है, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये वाली शेप ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ मैं। तो अगर आपने ना वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाइए देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये वाला डिज़ाइन प्रैक्टिस की, जिससे कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर फिर हमने वही पेटल्स बनाए हैं और आप चाहे तो ऊपर भी टीयर ड्रॉप बना सकते हैं। अब इसके फिलिंग एलिमेंट में मैंने बिल्कुल वही बेसिक वाला ही यूज़ किया है। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, जो मेरे पास ये कार्डबोर्ड है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला है और जो बाकी जो दूसरे लोग हैं उनकी ट्यूटोरियल्स में आप लोग देखते हैं वो बिल्कुल वाइट होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है ना कि ये कार्डबोर्ड तो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, तो मैंने चैनल ही लॉकडाउन में स्टार्ट किया है तो बस स्टार्ट कर दिया। तो अभी क्या है कि रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, बट फिर भी मतलब कहने का मेरा ये मतलब ये है कि इतना ज़्यादा हाईलाइटेड डिज़ाइन इस पर नहीं लगता है ना, वो वाइट वाले बोर्ड पर लगता है, तो फिर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना पाई हूँ मैं यहाँ पर और आपको देखने में ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब मैंने ये जो पेटल्स के चारों तरफ आउटलाइन क्यों नहीं की है, क्योंकि मैं पहले वेट करूँगी कि ये थोड़ी सी इसकी जो आउटलाइंस हैं मतलब जो आउटर कॉर्नर है वो सूख जाए, उसके बाद मैं इसके चारों तरफ या फिर इसके अंदर मेहंदी फिल करूँगी। अब देखिए, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से अगर मतलब मेरा तो यही तरीका है, पहले मैं थोड़ा सा सूखने का वेट करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे आउटलाइन करनी है या फिर फिल करना है कहीं पे मेहंदी, तो मैं पहले उसे सूखने का वेट करूँगी, देन उसके बाद जब वो थोड़ा सा सूख जाएगा तब मैं उसके मतलब अंदर या फिर उसके जो बाहर हमें आउटलाइन मोटी वाली करनी है या फिर मेहंदी फिल करनी है, मैं वहाँ पर करूँगी। तो अब देखिए, यहाँ पे हम बेसिक चेक बना रहे हैं और मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर दी है, जिससे कि आप बोर ना होए। तो चेक्स का क्या है कि मैंने यहाँ पे डबल लाइन वाले चेक्स लिए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे थ्री लाइंस वाले चेक्स भी बना सकते हैं और इसके अंदर हम फिर बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सूख जाएगा, हम इसके अंदर मेहंदी फिल कर देंगे। अब थ्री लाइन वाला, फोर लाइन वाला चेक्स की जितनी वेरिएशंस मैंने अभी तक आप लोगों को करी हैं, आप उनमें से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर फिर हम ये लोटस पैटर्न ही बना रहे हैं। मैं बिल्कुल सिंपल वाले लोटस ही यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, बिकॉज़ मैं वही बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ, थोड़ा सा इजी वाला ही पैटर्न यूज़ करूँगी, टफ वाला भी नहीं करेंगे हम लोग। तो अब देखिए, मैंने तो यहाँ पे चेक ड्रॉ किया है साइड पे, आप चाहें तो थोड़ा सेमी सर्कल भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं और उसके ऊपर फिर ये लोटस ड्रॉ कर दीजिएगा। अब जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ, आपको जो हैंड का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये जितना भी बना रहे हैं हम लोग उसे एडजस्ट करना होता है।
गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सिर्फ मेहंदी ही नहीं सिखाऊंगी आप लोगों को, यहाँ मोटिवेट करूंगी, क्योंकि मोटिवेशन भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि हमें थोड़ा सा पुश मिलता है ना। तो देखिए, मुझे, मैं एक्चुअली सीरियसली किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती और मैं नाम भी नहीं लूँगी किसी का, बट कोई बात नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। मुझे सॉरी, ईमेल पे एक मैसेज आया था जिसमें किसी ने मुझे बोला है कि आपने वहाँ, मतलब मैंने अपनी जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दिया अबाउट में, वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ। तो वो मुझे ये बोल रहे थे कि आप वो वाला इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़ के ये क्या लेकर बैठ गए हैं। मतलब यार, अकॉर्डिंग टू मी ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है बाय द वे। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो नॉलेज मैं किसी नीली वन के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पे अब वीडियोस बनाना। शुरू में जब मतलब एडिटिंग सीखनी होती थी तो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, डिमोटिवेशन होता था, यार नहीं होगा। लेकिन अब मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख ली है तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर प्रेजेंट करना, क्योंकि मैं तो अपने टाइम, मुझे एक्चुअली खाली बैठना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो अपना जो टाइम है अच्छे से डेडिकेट करना अपने भी काम को, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके लिए अपना टाइम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा। तो जैसे कि उन लोगों, उन्होंने बोला, देखो उनकी मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी सोच ऐसी है, मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती अगर आपकी उस चीज़ की वजह से, आप उसकी, आपके उस काम की वजह से किसी की हेल्प हो जाती है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। एंड कुछ ये भी होता है कि हमारे यहाँ क्या है कि मार्केट में जो मेहंदी है वो बॉयज़ ही लगाते हैं, तो करवा चौथ पे जब भी मैं मेहंदी लगाती थी तो लोगों की ये मेंटालिटी ही होती है कि बॉयज़ अच्छी लगाते हैं, गर्ल्स नहीं लगाती हैं। तो मतलब मुझे ये सुनने को बहुत आता है, लेकिन जब मैं लगाना शुरू करती थी तो उन्हें अच्छी लगती थी, तो वो ये बोलते हैं कि हाँ तूने तो हमारी मेंटालिटी ही चेंज कर दी। तो वही बात है कि आपको ना वो जो एक जो क्या कहते हैं, कुछ सेट हुआ पड़ा है कि हाँ ये काम यही करता है, ऐसा काम वो करता है, गर्ल्स ऐसा काम नहीं करती, बॉयज़ ये काम नहीं करती, एंड ऑल एंड ऑल। यार हम कौन सी सदी में जी रहे हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी काम कोई भी इंसान कर सकता है, किसी पे नाम नहीं लिखा होगा कि ये काम उसको करना है, इसको करना है ना। मैं देखो किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही। अब देखिए, लेडीज़ तो अब प्लेन्स तक चला रही हैं, तो कोई भी काम कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, टाइम इन्वेस्ट करो और मोटिवेटेड रहो। अगर अभी नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दो, कभी तो होगा ना। अब देखिए, चलिए इस डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये ना वीडियो थोड़ा सा लंबी थी, तो मैंने कहीं कहीं पे जो फिलिंग एलिमेंट्स है वहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और यहाँ पे क्योंकि ये आप लोगों को दिखाना था मुझे कि ये वाले चेक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता था ना, तो मैं क्या करती थी, चेक्स बना के उसके अंदर ये फ्लोरल हैंड से मतलब मैनुअली मैं उसको बनाती थी, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये ट्रिक पता लग गई। तो आप भी इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब देखिए, मैंने ये यहाँ पे ना कैरी से कैरी बनाई है, आप चाहे तो इसको एज इट इज़ सेमी सर्कल बना के और इसके अंदर जो है चेक्स बना दीजिए, फिलिंग एलिमेंट्स ड्रॉ कर दीजिए, या फिर इसके अंदर छोटा सा फ्लावर बना दीजिए, उसके चारों तरफ मेहंदी फिल कर दीजिए। आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम मेहंदी ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि हैंड के अकॉर्डिंग आपको खुद ही डिज़ाइन को एडजस्ट करना होता है। कोई भी पर्टिकुलर डिज़ाइन अगर आप बना भी रहे हैं तो बिगिनर तो नहीं बना पाएगा ना, तो आपको जितना भी जो भी माइंड में चल रहा है उसको हैंड के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे भी हम वही बेसिक फिलिंग एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है गाइस, मैं भी कोई मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं भी अभी जस्ट सीख ही रही हूँ, तो जो जो मैं सीख रही हूँ ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और मैं किसी को सिखा भी पा रही हूँ। तो अच्छी बात है अगर आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो, क्योंकि सबको पता है कि अगर जो हम नॉलेज है ना किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो बढ़ती है, कभी घटती नहीं है ना। तो जो भी आपको आता है अगर आप वो किसी के साथ शेयर करोगे तो आप लोगों को और ज़्यादा आएगा, वो कभी भी कम नहीं होने वाला। तो अब देखिए, अब ये बीच में हम लोगों ने ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न यूज़ किया, हम चाहे तो यहाँ इसके अंदर ना कम्प्लीटली इस एरिया को ना फिल भी कर सकते हैं मेहंदी के साथ, लेकिन मैंने सोचा चलो ये वाला एरिया, अगर देखिए
मेहंदी में कुछ मतलब जो हम दुल्हन की मेहंदी पे मतलब हैंड पर लगाते हैं ना ब्राइडल मेहंदी में, हम शहनाई और तबला एंड ब्राइडल एंड ब्राइड ग्रूम दोनों को भी बनाते हैं। तो अगर इस शेप को आप ध्यान से देखें ना, थोड़ा थोड़ा शहनाई के जैसा है, वो नहीं है लेकिन मैंने मतलब बनाने के बाद ये चीज़ नोटिस की, थोड़े थोड़े शहनाई के जैसा बन गया है। अगर ऊपर से इसको थोड़ा सा आप गोलाई कर देना तो थोड़ा थोड़ा शहनाई के जैसा है। तो मैं वो सब भी आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि एज अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं हम लोग, तो अभी हम स्टार्टिंग वाला ही करेंगे, जैसे कि मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। अब देखिए यहाँ पे साइड पे क्या होता है कि जब साइड वाला जब भी आप मेहंदी बनाते हैं तो साइड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बिगिनर्स को बनाने में। तो अब मेरी आपके लिए ट्रिक क्या है कि साइड पे जितना भी पोर्शन बचे उसको बीच में से स्लिट कर दें, मतलब उसको बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ऊपर वाला अलग हो जाएगा नीचे वाला अलग। और देखिए गाइस, मैंने तो यहाँ पे ये वाले बेसिक शेप यूज़ किया, अब कोई भी फिलिंग एलिमेंट यूज़ कीजिए, नहीं तो साइड पे चेक्स बना दीजिए, वन लाइन टू लाइन जितनी भी चेक्स की वेरिएशंस आप लोगों को कराई गई है आप उन चेक्स को फिल कीजिए या ना कीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए हम फिंगर्स पे आ गए हैं, फिंगर्स पे मैं ना एक्चुअली एक ही पैटर्न को फॉलो करूँगी। देखिए अब जो मैं यहाँ पे टीयर ड्रॉप बना रही हूँ ना, आप लोगों को क्या करना है, आप चाहें तो हर एक फिंगर पे टीयर ड्रॉप भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ की हैं और उसके चारों तरफ मैं टीयर ड्रॉप बना रही हूँ। आप तीन बना लीजिए, चार बना लीजिए, वो हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और वही मैं दोबारा बोलूँगी, जिसको टीयर ड्रॉप नहीं आता तो जो मैंने ट्रिक बताई है आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो गाइस जो मेरी पिछली वीडियोज़ है ना अभी तक, मतलब जो रिसेंट वाली थोड़ी सी पुरानी वीडियोज़ हैं, उन सभी के लिंक्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं। और हाउ टू मेक मेहंदी कोन एंड मेहंदी पेस्ट, इसकी भी जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाइए देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और गाइस कॉमेंट भी करके ना मुझे बताया करिए कि मतलब आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए ना कि मैं क्या इम्प्रूव करूं और आपको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए। जो मैं अभी यहाँ पे डिज़ाइन प्रोवाइड करवा रही हूँ थोड़े से टफ हैं, इजी हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मतलब जो मुझे तो आज वाला डिज़ाइन मेरे हिसाब से टफ ईजी है, लेकिन फिर वही मुझे कल ईमेल में मैसेज आया था कि मैम जैसे कि सेम डिज़ाइन मैंने मतलब सेम नहीं, इसी कार्डबोर्ड पे मैंने एक और डिज़ाइन आप लोगों को पहले करवाया था, तो उसमें मुझे मेल पे ये बोला है सबने कि मैम ये तो बहुत टफ़ है और बिगिनर के लिए हो नहीं पाएगा ना। तो मेरे हिसाब से तो ये इजीएस्ट ही, हमने क्या किया देखिए दोनों कॉर्नर्स पे ना हम लोगों ने चेक्स बनाए हैं, बस दो अलग अलग वेरिएशंस ही बनाए हैं ना, ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। और बाकी क्या किया हमने, फिर चेक्स के ऊपर हमने फ्लावर बना दिया, मतलब लोटस, आप कोई भी फ्लावर बना लीजिए अगर आप लोटस अभी नहीं सीखे अच्छे से। तो फिर जो बाकी का एरिया उसमें हमने बिल्कुल बेसिक शेप ही यूज़ की है। देखिए बिगिनर को ना पहले ये जो है डिज़ाइन पेन पेपर पे प्रैक्टिस करना है, और देखिए एज ए बिगिनर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कम से कम आपको 5 बार तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 टाइम्स। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब देखिए यहाँ पे फिंगर पे मैंने बस ये बेसिक जो ये पेटल वाला हमने बनाया है, आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप ऊपर जैसे हमने चेक्स जो हमने ऑलरेडी हैंड पे बनाए हैं ना, आप ऊपर चेक बनाइए अगर, और नीचे ये वाला बना दीजिए। जैसे मैंने तो ज़्यादा लंबी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किया, छोटी छोटी लाइंस भी बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पे चेक बना दिया है, पर हम इस वाले चेक को फिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक्चुअली क्या हम अभी चेक पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, तो अलग अलग चेक्स की वेरिएशंस भी हम लोगों की यहाँ पे कवर हो जाएंगी। अब देखिए क्योंकि ये वाली उंगली का साइज़ थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने ऊपर चेक बना दिया और नीचे सेम वाला पैटर्न ही फॉलो किया, पर सच्ची बताऊँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लगने के बाद। होता क्या है कि जब मैंने कटवर्क स्टार्टिंग में सीखा था ना, तो क्या हुआ था जब हम लोग उसको बनाते हैं तब तो वो ठीक लगता है, लेकिन जब उसके अंदर मेहंदी फिल कर देते हैं ना तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा कब लगता है, जब मतलब स्टेन आ जाता है मेहंदी का। तो मतलब मुझे भी ना स्टार्टिंग में कटवर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वही ना मतलब मेहंदी इतना सुंदर नहीं लगता वो तो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए और आदत हो गई आँखों को उसकी, तो वो अच्छा लगने लगे। कहने का मतलब ये है कि कटवर्क रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो ये फिंगर्स का है कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने फिंगर्स पे ना स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया, आप चाहे तो तिरछी लाइंस भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर बिगिनर को ऐसे ही बनाना चाहिए। अब देखिए अब इसमें लोटस के चारों तरफ जितना भी एरिया है हम इसे मेहंदी से अच्छे से फिल कर देंगे,
बस फिल करते हुए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको टिप देती हूँ कि आपको दो तरह के कोन कैरी करने हैं, एक जो पतला चल रहा है और एक थोड़ा सा मोटा चल रहा है। जब भी फिलिंग एलिमेंट आप यूज़ करेंगे तो मतलब जब मेहंदी फिल करेंगे तो मोटे वाले कोन से करेंगे, और जब ड्रॉ करेंगे कुछ भी एलिमेंट तो आप पतले वाले कोन का यूज़ करेंगे। और देखिए लोटस के ऊपर हमने दो लेयर बनाई है, मतलब जो आउटलाइन की पहली वाली आउटलाइन तो है कि वो एरिया फिल करना है आपको, जो ऊपर वाली है वो बाहर वाले एरिया के लिए है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको फिल कर रही हूँ। देखिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में इसीलिए कर दिया है कि आप लोग बोर ना होएं। और ये वाला जो है ना चेक्स हम बना रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा मेहंदी में बना हुआ अच्छा लगता है। ज़्यादातर हम ये वाला चेक मैं तो मतलब ब्राइडल्स की हैंड पे बनाती हूँ। अब देखिए जितना भी एरिया फिलिंग वाला है हम वो कम्प्लीट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन कम्प्लीट होने ही वाला है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी है, एंड अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड गाइस और मुझे ना अपने जो सेकंड वाला चैनल है उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि मैं अपने सेकंड चैनल पर वर्क कर रही हूँ, जिसमें वही प्रोनाउंसिएशन होगा उसी से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी। और उस चैनल में हम लोग मैं मतलब इंग्लिश मैं तो प्रोफेसर हूँ तो मैं इंग्लिश लिटरेचर का भी पढ़ाऊँगी, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन वाले वीडियोस होंगी वो सबके लिए ही होंगी, चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बड़ा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है। तो गाइस जैसे अभी तक सपोर्ट करें आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, एंड जो भी अपने व्यूज़ हैं चाहे मेल से शेयर कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, लेकिन कीजिए। So guys, that's it for today's video, and stay tuned for my next video, and I'm really very thankful to all of you guys. Thanks a lot. So keep learning and sharing guys, and please take care of yourself and your family, and because सबको पता है family है तो हमें, और जैसे कि आप लोग देख ही रहे country में क्या है कि जो corona के case है ना double हो रहे हैं, तो हम लोग अभी क्या थोड़ा सा बेफिक्र हो गए, लेकिन नहीं अभी भी हमको वैसे ही aware रहना है और awareness फैलानी है। So guys, thank you. Bye-bye.